तो दिस इज बॉक्स मेथड फॉर बोर्ड एग्जाम. इसको कंबाइन करो, यू विल गेट CH3, CH2, CH2 एंड CH3 एंड गिविंग 2 moles ऑफ NaCl, है ना. मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा दिया था कि इट इज फॉर्मिंग फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज टेकिंग प्लेस. ठीक, मिथेन मैं इसे प्रिपेयर नहीं कर सकता था. इवन नंबर ऑफ कार्बन एल्केन्स आर प्रेफरेबली फॉर्म्ड. ठीक, और भी सपोज यू वांट टू टेक एग्जांपल. सपोज दिस वन इज टेकन 2 moles. अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तुमको कभी भी 2 moles नहीं लिखेगा, तुमको समझना है. तो कुछ मत करो, प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कैसे करते हैं. फ्री रेडिकल बनाना है जस्ट डबल का, ये सीएल ये सीएल, दोनों सीएल को निकाल दो आमने सामने रख करके. ठीक है ना, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मैंने किया हुआ है भाई. यस, रिकॉर्डिंग चल रहा है. ठीक है ना, तो सपोज यू आर टेकिंग दिस वन, तो यहां से 2 Cl निकालो ऐसा. दिस विल फॉर्म जस्ट डबल ऑफ कार्बन एल्केन. व्हाट एवर इज द नंबर ऑफ कार्बन इन रिएक्टेंट विल बी जस्ट डबल ऑफ दैट विल बी इन प्रोडक्ट. तुमको रिएजेंट देख करके समझ जाना है, सोडियम एंड ड्राई ईथर. ये हम लोगों ने कल किया था, कल इन द सेंस लास्ट लेक्चर. ओके, तो लास्ट एग्जांपल लिखो जल्दी से एंड आई एम मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. उसमें क्या था, सपोज यू आर टेकिंग दिस वन, तो 2 moles ऑफ एनए लिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लिया. मैंने बोला इट इज नॉट नेसेसरी दैट 2 moles ऑफ एनए इज रिटन. इफ यू आर टेकिंग 2 moles, नाउ पुट both CLCL facing to each other and you will get this compound, just double of that. Okay, तुमको जितने भी example चाहिए मैं सब दे रहा हूं. Just double of that. Please note down. Please note down fast. Bhargavi square, is there any problem? चलो लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन. नाउ इंपॉर्टेंट, 11th क्लास में भी कराया था, तुम्हारे 12th क्लास में भी है, क्रॉस वुड्स रिएक्शन. क्रॉस वुड में अभी तक क्या था, 2 same molecules आर टेकन. देखो 2 same molecules आर टेकन. नाउ क्रॉस वुड्स, क्रॉस वुड्स का मीनिंग क्या हो गया,
टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर टेकन, क्रॉस ब्रीडिंग जैसा होता है वैसा टाइप का, ठीक है ना। तो व्हेन टू डिफरेंट स्टेटमेंट लिखो, व्हेन टू डिफरेंट एल्किल हैलाइड्स, व्हेन टू डिफरेंट एल्किल हैलाइड्स, व्हेन टू डिफरेंट एल्किल हैलाइड्स आर ट्रीटेड विथ सोडियम, आर treated with sodium in the presence of dry ether, then they are forming mixture of a product. सर रिपीट करो ना एक बार। हाँ, तो व्हेन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स यानी एल्किल हैलाइड्स, टू डिफरेंट एल्किल हैलाइड्स आर रिएक्टिंग विथ और ट्रीटेड विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन दे आर प्रोड्यूसिंग मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, देन दे आर प्रोड्यूसिंग मिक्सचर ऑफ products, then they are producing mixture of product. नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। विरज ओमकार वर्तक बोल रहे हैं, सर मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो कैसे, ठीक है ना। तो इसी का सिंपल सेल्फ वुड्स रिएक्शन पहले कराओ। सेल्फ वुड्स का मतलब क्या हो गया? सेल्फ वुड्स कोई रिएक्शन नहीं है, तो सेल्फ मॉलिक्यूल्स का वुड्स रिएक्शन कहने का मतलब यह है। तो सेल्फ रिएक्शंस ऑफ वुड्स का बोल रहे हैं, कैसे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इसके पहले देखो, व्हेन यू आर टेकिंग इथाइल क्लोराइड, ऋतुजा बोले आवाज कम आ रही है, सबको आवाज कम आ रही है क्या? नहीं सर। नहीं सर। यस सर, आ रही है। हाँ बोलो ऋतुजा, आवाज आ रही है क्या? अच्छा ऋतुजा यमगार, अरे यस तो बोल जल्दी से। हाँ आप सही है। तो व्हेनेवर यू आर सेइंग, देखो यहाँ पे ओनली वन मोल इज रिटन, बट अपने आप में अंडरस्टूड है कि यू हैव टू टेक टू मोल्स। सेम थिंग इज हियर, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर टेकन। तो कंडीशन नंबर वन, टेक टू मोल्स ऑफ CH3 and CH3, सो यू विल गेट मॉलिक्यूल नंबर वन, दैट इज प्रोडक्ट नंबर वन, ऐसा। मॉलिक्यूल नंबर टू, you are taking two molecules of CH3 CH2, okay, इसका भी रिएक्शन कर सकता है, क्यों नहीं करेगा? Then it will form 1 2 3 4 and two moles of NaCl. थर्ड वन टेक, जो तुमको गिवन है, दिस इज Na एंड Cl, CH2 एंड CH3। ये देखो,
This will form CH2, CH3, CH2, and CH3. Okay, so this is giving mixture of products. अब देखो इस मेथड में प्रॉब्लम क्या आ रहा है. इफ इट इज फॉर्मिंग मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मिक्सचर ऑफ एल्केन्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्रोडक्ट्स लेट अस राइट एल्केन. इफ दे आर फॉर्मिंग मिक्सचर ऑफ एल्केन तुमको क्या प्रॉब्लम आएगा. दे आर हैविंग सिमिलर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट दैट्स व्हाई दे विल नॉट बी इजिली सेपरेटेड इन लेबोरेटरी. दैट्स व्हाई दिस मेथड इज प्रेफरेबली यूज्ड फॉर इवन नंबर ऑफ कार्बन एल्केन. ऐसा ठीक. जैसे ही तुम उर्ज रिएक्शन क्रॉस कराने को ट्राई करेगा तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा एंड दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग सेपरेशन ऑफ द दीज मॉलिक्यूल्स. ठीक, कोई प्रॉब्लम. नोट करो जल्दी से. ये दोनों क्या है, सेल्फ है. और थर्ड वाला कैसा है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. थर्ड वाला इज different molecules. Okay, third equation mein nahi, third equation is mixture of CH3 and C2H5, so it will form only three carbon alkane. Second will have four number of carbon alkane. सबने नोट कर लिया, सबने नोट कर लिया क्या? Yes sir. This is for board exam. कौन सा इसके पहले जो तुमने किया, and crosswood that is already given in textbook. That is given in textbook. बोल इकता हाथ उठाया है. अब स्पेशली फॉर नीट एंड आईआईटी, स्पेशली फॉर नीट एंड आईआईटी दैट इज कॉल्ड एज, लिखो, इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंट्रा मॉलिक्यूलर उड्ज रिएक्शन. अभी मुझे SN1 SN2 का IIT लेवल नीट लेवल फिर से कराना है. वो सिंपल बोर्ड लेवल था. इंट्रा मॉलिक्यूलर का मतलब क्या हो गया, विद इन द कंपाउंड. ऑलरेडी मेरे पास ये प्रॉब्लम IIT में आया, देन IIT मेंस में आया, एंड देन नीट में आना अभी बाकी है. तो तुमको समझना है व्हाट विल बी द मिक्सचर ऑफ, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट. इफ यू आर गोइंग थ्रू किसके, इफ यू आर गोइंग थ्रू रिएक्शन मैकेनिज्म, देन यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके, अदरवाइज यू विल फेस अ प्रॉब्लम. डेफिनेटली यू विल फेस अ प्रॉब्लम. So what is the problem actually? Mechanism पे जाओ, क्या generate हो रहा था, free radical. ये देखो cyclopentane बोल रहे हैं ईश्वरी, बिल्कुल गलत है. दो bond को बनाने के लिए, मतलब एक bond break होता है तो दो electron होते हैं, दो electron मिलकर के क्या बना सकते हैं, bond. So this is nothing but, बोलो IUPAC नेमिंग 11th क्लास
bicyclo 2, 1, 0 total number of carbon 1, 2, 3, 4, 5 तो दिस इज पेंटेन. कुछ याद आया 11th क्लास जो लोग मेरे यहाँ पे थे, जो लोग दूसरी कोचिंग में आए हैं उनके यहाँ बाईसाइक्लो का नेमिंग नहीं हुआ है मुझे पता है, बट मैंने करवाया था तुम लोग को 11th में एंड 12th में भी थोड़ा सा रिवीजन लिया था मैंने, स्टार्ट में रिवीजन लिया था मैंने. टेल मी इफ एनीवन इज हैविंग डाउट. ठीक है ना, नाउ टेल मी सोडियम एंड ड्राई ईथर. बोलो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, जल्दी से बोल, नेमिंग बोल, नेमिंग वाइज लिखो जल्दी से फास्ट. राइट डाउन IUPAC नेमिंग अलाप. नहीं आ रहा समझ में, सब लोगों को समझ में आ रहा है क्या? विरजा, विरजा चलो इट विल बी ऐसा. बाईसाइक्लो है तो ओमकार बोल रहे हैं बाईसाइकिल बनेगा, बिल्कुल सही है. श्रीनिधि ने बोला है बाईसाइक्लो 2, 2, 0 हेक्सेन 100% करेक्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो एक बार फिर से देख सकते हैं कि हाउ नेमिंग इज डन. नेमिंग डन करने के लिए क्या कर, 1 and 4 इज कॉल्ड एज ब्रिज हेड, जहां पर ज्वाइंट हो रहे हैं दे आर कॉल्ड एज ब्रिज हेड. ब्रिज हेड के लेफ्ट साइड राइट साइड 2 cycle है, दैट्स व्हाई बाईसाइक्लो. एंड स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करना है, फैंसी लगने के लिए कर्ली एंड स्मॉल ब्रैकेट यूज नहीं करना है. नाउ 1 and 4 को सभी लोग पेन से कवर कर दो, 1 and 4 को पेन से कवर करो, 1 and 4 पे कवर रख दो. देन 2 and 3 यानी 2 carbon ऊपर, 5 and 6 एंड फिर से देखो 1 and 4 के बीच में कितना है, 2 नहीं है, 1 and 4 को छोड़ करके 0. सो दिस इज सिंपली बिकम हेक्सेन. ओके सलाह रब इट रब, मतलब मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं. यस तो भक्ति बोल रहे हैं बाईसाइक्लो 2, 2, 0 हेक्सेन, बिल्कुल सही है. भक्ति को मिलते हैं गोल्ड मेडल. अगर मैं ऐसे ही सच्ची सच्ची बोल, सच्ची सच्ची बोल, क्या आ रहा है आंसर? तो भाई ये मेरा पहला टेस्ट था जो ऐसे ही एक तरह का ऐप को टेस्ट करने का टेस्टिंग था. अभी मैं बहुत ही जल्दी अनाउंस करने वाला हूँ जो टेस्ट रहेगा, उसमें हम लोगों का तुम लोग बताओ एक नीट लेवल का टेस्ट एंड नीट एंड जेई लेवल, जेई मेंस लेवल का टेस्ट हम लोग रख सकते हैं फॉर द सॉल्यूशंस का. जल्दी से बोलो क्योंकि मुझे अब
सॉल्यूशंस का टेस्ट लेना है, थर्मो का टेस्ट लेना है, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट संडे को हम लोग रख सकते हैं क्या, या नेक्स्ट मंडे, जब भी बोलो, जल्दी से सब लोग डिसाइड करके बताएंगे। नाउ इसका मैकेनिज्म मैं तुमको करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं खुद करके बता दे रहा हूं। ये देखो, दो फ्री रेडिकल, ओमकार वर्तक बोले मंडे रखिए सर, विरजा बोले मंडे रखिए, क्योंकि मंडे रखने से एक लेक्चर हम लोग का कम हो जाता है, पढ़ने को कम मिलता है। वेरी गुड, कोई बात नहीं, संडे को कम मंडे को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं लोग। भाई कहीं बाहर भी तो नहीं निकल सकते तुम लोग, बाहर कोई निकलेगा नहीं घर से किसी भी हालत में, बाहर कोरोना वेलकम के लिए खड़ा हुआ है। साइली बोल रहे हैं नेक्स्ट मंडे को रखिए, साइली ऐप पे टेस्ट नहीं दिया। ठीक, दिस इज कॉल्ड एज स्पाइरो, कुछ याद आया? स्पाइरो के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में क्या रखा? स्पाइरो कंपाउंड्स के लिए क्या याद है कुछ? जिधर नंबरिंग कम होता था उधर से करते थे, 1 2 3 4 5 6 7, सो दिस बिकम 1 2 3 4, हायर टू लोअर, ऐसा नंबर ऑफ कार्बन इज 7, तो दिस इज हेप्टेन। बहुत ही हायर लेवल का मैंने लेकर के किया, बिल्कुल ही हायर लेवल, बट फॉर डेफिनेटली नीट एम्स एंड आईआईटी, नो एक्सपेक्टेशन फॉर सीईटी एंड बोर्ड। इंट्रा मॉलिक्यूलर आईआईटी सबसे ज्यादा देता रहता है। लेट अस कम टू, तो दिस इज डिटेल्ड प्रॉब्लम फॉर वुड्स रिएक्शन। ठीक, चलो नेक्स्ट लिखो। हाँ भाई बोल रहे हैं, कैन यू एक्सप्लेन हाउ टू नेम द स्पाइरो कंपाउंड्स? यस, व्हाई नॉट। ये देखो, दिस इज नॉट द ब्रिजिंग कंपाउंड, यहाँ पे टू रिंग्स आर फ्यूज्ड एट वन कार्बन। इसके पहले क्या था? टू रिंग्स आर फ्यूज्ड एट टू कार्बन, 1 and 4, है ना? यहाँ पर टू कार्बन आर फ्यूज्ड एट टू कार्बन, इसमें क्या रहा है? टू कार्बन आर फ्यूज्ड एट वन कार्बन नंबर 3। अगर ऐसा होगा तो इस कॉल्ड स्पाइरो कंपाउंड्स। स्पाइरो कंपाउंड्स का रूल है कि मैं नंबरिंग करता हूं उधर जिधर नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं। इसमें देखो, टू कार्बन, 1 and 2, अगर तू इधर से भागता तो 1 2 3 4 कार्बन का होता है ना, तो कम की तरफ से, और जहां पे फ्यूज हुआ है उसके बाजू से नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट कार्बन वेयर टू रिंग्स आर फ्यूज्ड, नंबरिंग इज डन फ्रॉम कार्बन या बिसाइड द कार्बन या एडजेसेंट कार्बन वेयर टू रिंग्स आर फ्यूज्ड। इन स्पाइरो कंपाउंड्स नंबरिंग इज डन फ्रॉम कार्बन एडजेसेंट कार्बन वेयर टू रिंग्स आर फ्यूज्ड, and numbering is done from lower carbon side of the ring, lower carbon side of the ring, okay? So isko bola spiro, spiro ke bracket mein higher to lower, 1 2 3 4 carbons, after fusing of the ring 4, after fusing of the ring right side 1 2 carbon, that's why 4, 2 square bracket close, total carbon is 7, that's why heptan। ओके, यस, जिसको टू दिया है उसको 1 दे सकते थे, व्हाई नॉट। तो इस बार इधर से स्टार्ट करता, 1 2 3, बोथ आर सेम, ओके। अर्नव,
Arnav, is it clear how to name spiro compounds? Arnav, fast. Yes or no? Chat me. Yes. ठीक है. So this is about वुड्स रिएक्शन. एक मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आया हुआ है वुड्स रिएक्शन का ही. लिख लो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज, लिखो वुड्स रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ, दिस इज टोटली कंपटीशन. जिसको बोर्ड कंपटीशन नहीं देना है, नेटा देना है, नहीं नोट कर सकते हैं. कौन कौन सा? इंट्रामोलिक्यूलर एंड अभी जो लिख रहा हूं इज एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. क्या होता है? व्हाट इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली. कैसे? ये हम लोग के पास किसी सीईटी के, साउथ के सीईटी में आया हुआ है ऐसा एग्जांपल. तो हम लोग वहां पर, अब कभी हमारे पास आता है सीईटी, नीट, आईआईटी, तो मैं लिख सकता हूँ. नाउ what is the mechanism of the reaction? Free radicals are formed. ठीक, free radicals are formed during the reaction. अब देखो, दूसरी कोचिंग वाले डायरेक्ट बॉक्स मेथड जाते हैं. बॉक्स मेथड से मुझे ये नहीं पता चलेगा कि रेडिकल्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं. तो मेरे पास ऑलरेडी came in कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि वुड्स रिएक्शन इज फॉलोइंग कार्बोकेटायन कार्बन आयन फ्री रेडिकल लाइक दिस वन. It is forming free radical. अब देखो, now you are having two options. Option number one. ये अपना जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था, खुद का second free radical ले करके reaction कर ले, then it will form CH3, CH2, CH2. And CH3. Okay. दूसरा example, ये दूसरे मॉलिक्यूल से फ्री रेडिकल क्यों ले? अपने ही यहां से फ्री रेडिकल निकाले. कैसे? इनसाइड मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल बना ले. है ये वाला फ्री रेडिकल इधर से निकल जाए H को हटा करके. This one, तो CH2 and CS2 free radicals will form ऐसा. तो अब देखो, एक से हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल, यहां का हाइड्रोजन निकल गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन. 11th क्लास सब लोग पास हैं, एज्यूम कर लूं. और ये क्या हो जाएगा? दूसरा पार्ट इज ऑक्सीडेशन. सो दोज रिएक्शंस इन विच सेम मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज एंड सेम मॉलिक्यूल इज रिड्यूस, देन इट इज कॉल्ड एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. वन इज ऑक्सीडाइज, सेकेंड वन इज रिड्यूस्ड. One is oxidized, second one is reduced. That's why this is example of disproportionation reaction. Note karo fast. Reduction wala samajh mein nahi aaya kyunki wahan se ek hydrogen nikla hai. Removal of hydrogen. Hydrogen jahan se nikal raha hoga.
सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बस एक ही मिनट एक ही मिनट। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं, इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इधर से इधर से इधर से विद इन द मॉलिक्यूल, इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन। यस एक मिनट भाई, दिस इज रिडक्शन क्यों? नॉट बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन। 11th क्लास, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, इंक्रीमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, दैट्स व्हाई दिस इज रिडक्शन। ओके सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट से भाई इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट विल डिक्रीज ना, तो रेड वाला जो मैंने डॉट दिखाया है दैट इज नथिंग बट इंक्रीमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वन इज रिडक्शन एंड वन इज ऑक्सीडेशन, प्लीज नोट डाउन फास्ट, नोट डाउन फास्ट। शैल आई प्रोसीड, शैल आई प्रोसीड? देव राठौर डन। एक मिनट रुको सर। So this is example of disproportionation reaction. Same molecule is oxidized, same molecule is reduced. Sir. हाँ. एक मिनट रुको सर. जल्दी जल्दी नोट कर. मेरे पास नीट 2018 में आया रिएक्शन को देख करके, उन्होंने बोला था कि विच आर द एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम मॉलिक्यूल का हो रहा होगा इज कॉल्ड एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मैंने 11th क्लास में बताया था, और अगर उल्टा हो रहा होगा तो क्या होता था, उल्टा अगर हो तो डिसप्रोपोर्शनेशन का उल्टा, बोल भक्ति, सच्ची भक्ति, सच्ची भक्ति, कौन प्रोपोर्शनेशन का उल्टा, सॉरी डिसप्रोपोर्शनेशन का उल्टा ही नाम ही बता दिया मैंने, कौन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, याद आया? यस भक्ति बोले कौन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, रिएक्शन विथ मेटल में ही, पहला Mg के साथ था, दूसरा सोडियम के साथ था, थर्ड वन अभी भी रिएक्शन विथ मेटल ही चल रहा है। नाउ राइट रिएक्शन विथ जिंक, रिएक्शन विथ Zn, जिंक, रिएक्शन विथ Zn, Zn के साथ रिएक्शन करने पर क्या बन सकता है, ठीक है ना, रिएक्शन विथ Zn, सोडियम के साथ रिएक्शन तो बिकम वुड्स रिएक्शन, एंड Zn के साथ रिएक्शन होगा तो देखो यू आर टेकिंग Rx Zn, X and R, this will form ZnCl2 type, ठीक है ना, so this will be R and R and this will form ZnCl2, this will form ZnCl2, is there any problem,
तो ये हो गया सपोज यू आर हैविंग सी एस थ्री सी एल एंड सी एस थ्री ओके देन इट विल फॉर्म सी एस थ्री एंड सी एस थ्री देन इट विल फॉर्म सी एस थ्री एंड सी एस थ्री then it will form CS3 and CS3 this reaction is called as Frankland reaction Frankland reaction theek hai na तो स्टेटमेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लिखो व्हेन टू मोल्स ऑफ एल्किल हैलाइड व्हेन टू मोल्स ऑफ एल्किल हैलाइड आर रिएक्टिंग विथ ईच अदर टू मोल्स ऑफ एल्किल हैलाइड आर रिएक्टिंग विथ ईच अदर देन दे आर फॉर्मिंग एल्केन देन दे आर फॉर्मिंग एल्केन ओके ऐसा किसी को प्रॉब्लम है अगर नहीं है तो जल्दी जल्दी नोट करो तुमको सिर्फ ऐसा लिखेगा तुमको समझना है एग्जाम में सो दिस विल फॉर्म सी एस थ्री सी एच टू सी एच टू एंड सी एस थ्री जेडन सी एल टू Yes. तनया बोल रहे हैं कि इंट्रामोलिकुलर का भी डेफिनेशन दे दीजिए इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन में मैं लिख सकता था कि व्हेन टू हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन विद इन द मॉलिक्यूल लिख सकता था मैं ठीक है ना देन इट विल फॉर्म इंट्रामोलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन हो गया किसी के प्रॉब्लम है क्या शैल आई प्रोसीड जल्दी से लिखो यस और नो शैल आई प्रोसीड यस और नो यस यस रुतुजा नाउ नेक्स्ट वन रिएक्शन ऑफ रिएक्शन विथ मेटल्स के बाद नेक्स्ट लिखो नेक्स्ट वन रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड रिडक्शन का मीनिंग ही क्या होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है ना इंक्रीमेंट ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज नथिंग बट रिडक्शन इज कॉल्ड एज
रिडक्शन, तो रिडक्शन में क्या रिएजेंट में ले सकता था? दोज रिएजेंट्स विच आर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन, या विच विल प्रोड्यूस विच विल गिव हाइड्रोजन। यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट लिया, इलेवेंथ क्लास क्या लेता था याद है? H2Ni, या तो फिर H2, बोलो किसके प्रेजेंस में? Pt के प्रेजेंस में, H2 कैडमियम के प्रेजेंस में, है ना? कुछ याद आ रहा है? H2, Pd, Pd, Pt, Cd, सब क्या करेंगे? सब के सब क्या करेंगे? एक्स को हटा करके हाइड्रोजन जोड़ दिया, बिकम एल्केन। सो दैट वाज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन। CH3, CH2, Cl, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Ni। रेने निकिल भी लेता था, याद करने के लिए रानी निकिल बोल दिया था मैंने, याद है? एक हाइड्रोजन इंक्रीज हुआ, निकिल इज बिहेविंग एज अ कैटलिस्ट, निकिल इज बिहेविंग एज अ कैटलिस्ट, निकिल इज बिहेविंग एज अ कैटलिस्ट, कैटलिटिक रिडक्शन, कैटालिटिक रिडक्शन, ठीक है ना? मेरे पास और भी रिएजेंट्स देता है जिसको मैं यूज करके तुमको बता देता हूं। सपोज यू आर टेकिंग स्पेशली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देन यू विल गेट CH3 एंड CH3, CH3 एंड CH3, एक हाइड्रोजन। दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन सप्लाई करते रहेंगे। स्टेटमेंट लिखना है क्या? स्टेटमेंट लिखना है क्या? हाँ सर, हाँ तो सर, हाँ सर, लिखना है तो लिखो, लिखो व्हेन एल्किल हैलाइड, व्हेन एल्किल हैलाइड इज रिएक्टिंग विथ, व्हेन एल्किल हैलाइड इज रिएक्टिंग विथ, व्हेन एल्किल हैलाइड इज रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एन आई और पी टी। मैंने दो ही लिखा, ज्यादा नहीं लिख रहा हूं। एन आई और पी टी, देन दे आर फॉर्मिंग, देन दे आर फॉर्मिंग एल्केन, देन दे आर फॉर्मिंग एल्केन। है ना? तो बेटर हो कि सभी लोग थोड़ा सा कर लो कि व्हेन एल्किल हैलाइड इज रिएक्टिंग विथ, या आर रिएक्टिंग विथ एल आई एल एच फोर और H2Ni, है ना? एल आई एल एच फोर और H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Ni, ओके? सो दिस इज द पार्ट ऑफ रिडक्शन, दिस इज द पार्ट ऑफ रिडक्शन। सो
सपोज यू आर हैविंग एल आई ए एल एच फोर देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट साइक्लोपेंटेन हो गया एंड एच एक्स मैंने पूरा मैकेनिज्म करके बताया था कि जब भी तू एस टू एन आई वगैरह लेगा तो होगा क्या कैसे कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता था है ना। अगर फिर से देखना है तो मैं बता देता हूं ये सपोज एन आई सरफेस है ठीक तुम क्या करो अपना पेन उठाओ जो पेन का टिप है डेट इज कॉल्ड एज एच और जो पेन का दूसरा पार्ट है वो भी एच है ठीक है यानी टिप यानी हेड एंड टेल आर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन तो तुम्हारा पेन इस तरीके से यहां पर है एक हाइड्रोजन ये सरफेस पर ट्रैप हो गया है अपने पाम पर क्या करो उसको रख लो वो पाम में हाइड्रोजन धस गया है तुम्हारा हाइड्रोजन अंदर चला गया और एक हाइड्रोजन बाहर आए ठीक तो ये यहां से इसको ट्रैप करके यहां से इससे रिएक्शन करके निकल जाएगा इससे मतलब एल्किल हैलाइड के साथ ऐसा रिएक्शन होता था ये सरफेस पे ट्रैप होता रहता था ये सब हाइड्रोजन ट्रैप्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले एस टू एक ऊपर रहेगा पॉइंट आउट और अपवर्ड ओके और ये रिएक्शन करके निकलता रहेगा एल्कीन में बताया मैंने बताया था कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा ले लो भाई कुछ नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ क्या करना है क्या करो निकिल की जगह रानी निकिल ले लो रानी निकिल नहीं बोलेंगे बट समझने के लिए है रैने निकिल बोलते हैं रैने निकिल इज फाइनली यानी फाइन पाउडर्ड पार्टिकल ऑफ एन आई जिसकी वजह से रिएक्टिविटी और फास्ट हो जाता है ना यू आर क्रिएटिंग मोर सरफेस एरिया व्हेन यू आर कन्वर्टिंग इन पाउडर फॉर्म ऐसा तो रेने निकिल इज बेटर रिएजेंट एज कंपेयर टू एन आई इज बेटर रिएजेंट देन is better reagent than Ni ठीक है ना तो let us come to next part is किसी को problem है Is there any problem till now? No, sir. तो मैं थोड़ा सा फिर से आगे बढ़ता हूं आगे बढ़ने में सपोज मैंने बोला इसका नेक्स्ट हेडिंग लिखो Elimination reaction. Next heading is elimination reactions of elimination reactions of alkyl halide. ठीक एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड
तो दिस इज नथिंग बट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन 11th क्लास. मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, तो उसके लिए पहले रिएजेंट लिखो. रिएजेंट्स क्या क्या होते थे कुछ याद आया? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. फिर क्या होता था? एल्कोहलिक KOH. एल्कोहलिक KOH का मीनिंग क्या है ईश्वरी? एल्कोहलिक KOH का मीनिंग क्या है? एल्कोहल मिला है उसमें, बोलो. गौतमी बोल, दर्शना देव बोलना चाहते हैं कुछ? KOH ओनली है, ओनली KOH. तो एल्कोहलिक क्यों बोला? डाइल्यूट, कंसेंट्रेटेड, एल्कोहलिक, व्हाट इज द डिफरेंस? बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस? अथर्व, अथर्व स्क्वायर, अथर्व स्क्वायर, बोलो. दिघे, वेदांत, क्या डिफरेंस है? डाइल्यूट क्यों नहीं लिखा? कॉन्सेंट्रेटेड क्यों नहीं लिखा? अल्कलाइन लिखा है. अल्कलाइन मीडियम क्या है? तो खुद KOH इज अल्कलाइन. KOH इज खुद बेस है, अल्कलाइन तो खुद ही हो गया ना. बोलो बोलो जल्दी से. बेसिसिटी ग्रेटर देन वाटर, नो. KOH खुद एक बेस है. अथर्व, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्कोहल? एल्कोहलिक KOH, कोई होनहार बालक या बालिका, 11th क्लास में बताया था. भक्ति, सायली, कुछ तो बोल. डाइल्यूट, बिल्कुल नहीं. अंगा, बिल्कुल डाइल्यूट नहीं. विश्रांति, डाइल्यूट बिल्कुल भी नहीं. भाई एल्कोहलिक KOH का मीनिंग है उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ C2H5OH मिक्स रहता है, ठीक है ना. एल्कोहल मैंने मिला करके, नहीं याद हो रहा था ऐसा समझ ले, एल्कोहल को मिला करके मैंने सुला दिया एल्कोहल को, KOH को. एल्कोहल का फंक्शन क्या होता है पता है ना सब लोगों को, ठीक है. चलो भाई आ जाओ. एल्कोहलिक KOH एंड तुम्हारे पास डिहाइड्रोजिनेशन के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल सही है, डिहाइड्रोजिनेशन ही है ये. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन. नाउ नेक्स्ट वन इज मेटल अमाइड. मेटल अमाइड क्या है? NaNH2 या तो फिर KNH2, ठीक. तो सपोज यू आर टेकिंग दिस वन, यू आर टेकिंग सपोज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और तुमने इसको हीट किया. हीट करने के बाद क्या हो रहा है? अब देखो कोई कुछ नोट नहीं करेगा, Nobody will write. बाद में मैं डेफिनेशन वगैरह सब लिखवाऊंगा. ये CCl बॉन्ड अपने से ब्रेक होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं. क्यों? सिमिलर टू प्रीवियस वन, SN2 SN1, दिस इज बिलोंगिंग टू प्लस आई. उतना कैपेबल नहीं है कि ये CCl बॉन्ड को ब्रेक कर दे. इसलिए अगर CCl बॉन्ड को ब्रेक करना है तो देयर मस्ट बी रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल रिएजेंट, जस्ट लाइक SN2 रिएक्शन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
एवरीवन इज गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? ये कभी भी अपने से ब्रेक नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इनफ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स आर नॉट प्रेजेंट, वो ब्रेक ही नहीं कर पाएंगे. ओके इसलिए तुमको बाहर से रिएजेंट भेजना पड़ेगा. ये देखो बाहर से कैसे भेजा तूने, ये देखो कोई कुछ भी नोट ना करेगा. HSO4 माइनस जा रहा है खुद बिल, यहां पे देखो हाइड्रोजन को लेने के लिए वेलकम पार्टी. अगर HSO4 माइनस है तो H पर क्या आना चाहिए था चार्ज ब्रेक हो करके, बोलो H पर कैसा चार्ज आना चाहिए ब्रेक हो करके? H के ऊपर कैसा चार्ज? प्लस. ग्रीन से देखो ऐसे ब्रेक होगा. अगर यहां पर प्लस चार्ज है, ठीक है ना, HSO4 माइनस, सॉरी उल्टा हो गया, उल्टा ही हो गया, एक्सक्यूज मी सब लोग, एक्सट्रीमली सॉरी. हाँ मैं आता हूं ऐसा. अगर H पर प्लस आएगा तो H पर प्लस चार्ज आ रहा है, एरो का हेड तो माइनस लेके जाता है ना, एंड टेल प्लस चार्ज, इसलिए Cl ऐसा ब्रेक होगा. Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, प्लस और माइनस मिल करके विल फॉर्म अ बॉन्ड. एच प्लस एंड Cl माइनस विल फॉर्म HCl. एच भी निकला Cl भी निकला, डेट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज डी. डी मतलब रिमूवल, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन. क्या क्या निकला? डी का मतलब रिमूवल, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन. पहले मुझे यहां तक बोलो किसी को डाउट है क्या, यस और नो, या रिपीट करना है जल्दी लिख फास्ट. यस नो रिपीट. नो सर, नो सर. कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे बोलो रे भाई, वेट बोल रहे रिपीट करने के लिए. और कोई है रिपीटर? तन्वी रिपीट, यस रिपीट, भक्ति रिपीट, तना रिपीट, वेरी गुड. एक ने बोला तो अब पूरी क्लास रिपीट 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 रिपीट. ठीक है मैं रिपीट करता हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से एक एक पॉइंट, और किसी को नहीं समझ में आएगा तो बोलेगा फिर से. इंपॉर्टेंट वन, देखो ये जो CS3 है, CS3 इज बिलोंगिंग टू कौन सा? प्लस आई इफेक्ट. CS3 इज बिलोंगिंग टू प्लस आई इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा? डेल्टा नेगेटिव चार्ज देगा. वो इतना कैपेबल नहीं है कि इस CCl बॉन्ड को ब्रेक कर दे. अगर ये अपने से ब्रेक नहीं करेगा तो कोई ना कोई रिएजेंट आएगा ब्रेक करने के लिए. कौन रिएजेंट आ रहा है? HSO4 माइनस. HSO4 माइनस H2SO4 फिर से बन जाएगा कब? इफ इट इज एक्सेप्टिंग H प्लस. If it is accepting H plus, इसलिए H plus accept करेगा. अगर H plus accept किया तो ये हो गया. अगर ये H plus कर रहा है इसका मतलब है CH bond को break कर रहा है. CH bond CH में plus कब आएगा? जब arrow का head इधर और tail इधर. Now because of presence of
नेगेटिव चार्ज इन द मॉलिक्यूल, अब ये सीएल बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो जाएगा. क्यों? दिस इज एब्सोल्यूट नेगेटिव चार्ज एंड टू इलेक्ट्रॉन ऑफ सीसीएल, ठीक है ना. और ये अब ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा? सीएल इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा. हो गया. प्लस एंड माइनस विल फॉर्म अ बॉन्ड. तो यहां पे हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ, हैलोजन भी रिमूव हुआ. दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन. दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन. नाउ टेल मी अगेन, बोलो जल्दी से. गौतमी स्क्वायर, गॉट इट? और बोलो जल्दी से. गॉट इट? जल्दी जल्दी बोलो सब लोग. भक्ति, गॉट इट? गौतमी, तन्वी, गॉट इट? यस सर, समझा समझा समझा, वेरी गुड. ठीक है ना. तो अब स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो पहले, स्टेटमेंट लिखो. यार नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, पहले नोट कर लो. नोट करो, नोट करो. रिएक्शन लिख, रिएक्शन लिखो फास्ट. फास्ट तनिष्का, तेरा गोल्ड और ज्वेलरी वगैरह का जो भी शोरूम था वो बंद होगा. तू ही तनिष्क है ना, या तू दूसरी तनिष्क है? साइली नोट कर लिया? प्रन्या, प्रन्या नोट कर लिया? हाँ सर. नंदिनी, नंदिनी बोल. यस सर. ओके, तो अगर नोट कर लिया है तो स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो. राइट डाउन स्टेटमेंट, राइट डाउन स्टेटमेंट प्लीज. लिखो व्हेन, व्हेन एल्किल हैलाइड, व्हेन एल्किल हैलाइड इज रिएक्टिंग विथ, व्हेन एल्किल हैलाइड इज रिएक्टिंग विथ, when alkyl halide is reacting with concentrated H2SO4, concentrated H2SO4 and on reacts, sorry, and on heating, and on heating, and on heating, and on heating produces alkene, produces alkene, produces alkene, produces alkene. उस लाइन को छोड़ करके नीचे लिखो स्टेटमेंट नंबर वन. लिखो रिएक्शन इज फॉलोइंग एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन इज फॉलोइंग एलिमिनेशन रिएक्शन. बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही लिखना है.
मेरे पास मैकेनिज्म आता है लिखने को. रिएक्शन इज फॉलोइंग एलिमिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर टू. स्टेटमेंट नंबर टू लिखो, सिंस हाइड्रोजन एंड हेलोजन सिंस हाइड्रोजन एंड हेलोजन बोथ आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. बोथ आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. That's why this is called as dehydrohalogenation reaction. Dehydrohalogenation reaction. सभी लोग लिखो यहां पर. देखो, this is called as alpha carbon, this is called as beta carbon. लिख लो. ठीक, लिखने के बाद लिखो स्टेटमेंट. राइट डाउन स्टेटमेंट. लिखो सिंस हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम बीटा पोजीशन सो रिएक्शन इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन. So reaction is called as beta elimination. So reaction is called as beta elimination. ठीक, रिएक्शन इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन. बोलो यहां तक. टिल नाउ एनीवन इज हैविंग डाउट. बोलो यस और नो. नो सर. ठीक है, अब बोलो आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश किया जाए या आगे बढ़ा जाए. बोलो, जो जितना ज्यादा लोग बोलेंगे वही उसी पे चलूंगा मैं. आगे बढ़ूं या लेक्चर फिनिश किया जाए सवा घंटे का? बोलो, तनया खत्म कर दो सर. और बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो, फास्ट. ऋतुजा अहेड. बस सर बहुत हो गया. भक्ति अहेड. श्रीनिधि अहेड. सुबोध अहेड. बोलो. बस सर बहुत हो गया. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो सभी लोग, अगर किसी को लगता है तो ये लो, प्रैक्टिस के लिए ले लो एज अ होमवर्क. तो अहेड हम लोग का वही होगा. तो मैं इन सभी रिएक्शंस को कल डिस्कस करूंगा, ठीक है ना. डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि दे आर हैविंग सिग्निफिकेंट
एक्सप्लेनेशन बोल दूं एंड दे आर हैविंग ग्रेट रोल रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम. ठीक है ना. राइट डाउन फास्ट, राइट डाउन फास्ट. सो दीज आर द होमवर्क, दीज आर द होमवर्क. हाँ बोलो. अथर्व डगड़े हाथ उठाया है. हाँ कुछ एक्सेप्शन होंगे ना. कोई एक्सेप्शन नहीं है बट थोड़ा सा दिमाग लगाना है. ठीक है, अगर नोट कर लिया है तो हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं. ओके यस. मिक्सचर बनेगा, दो दो का, दो दो तीन तीन कंपाउंड बनेंगे. और बोलो किसी का कोई कोई डाउट. जिनको भागना था वो भागते जा रहे हैं. डाउट बोलो, डाउट. हाँ क्योंकि टी बीटा पोजीशन है. बिल्कुल, वेरी गुड. नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग. और बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम. अरे कादंबरी खोट, कादंबरी. यशराज बोलो कोई डाउट है क्या. और भाई जिन लोगों ने ऐप का नहीं किया है वो लोग ऐप का जरूर कर लें जल्दी से. जिन लोगों ने भी ऐप का नहीं दिया है ऐप का जरूर कर लेंगे. डेट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एक्चुअली. और बोलो जल्दी से बोलो किसी का कोई है तो. शैल आई फिनिश द लेक्चर. प्रन्या कोई डाउट है क्या. नहीं सर. नहीं है. प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या किसी से कुछ. हाँ हाँ ठीक है. सर वाई इज द सेल्फ वाला एज ऑक्सीडेशन. वहां पे क्या हो रहा था. प्राची है क्या. प्राची जिंदा है. प्राची यस और नो. हाँ यहाँ पे क्या हो रहा था देखो. एक तरह से टू इलेक्ट्रॉन्स आर कंबाइनिंग यहाँ पर ऑक्सीडेशन में. और इसमें क्या हो रहा है लेफ्ट साइड में रिडक्शन में क्या हो रहा है. इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग इन द कंपाउंड. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज नॉट इंक्रीजिंग इन द कंपाउंड. एक तरह से ये किल हो रहा है. यहाँ वाला किल हो रहा है. कौन सा. ब्लैक ब्लैक डॉट. ब्लैक डॉट एक तरह से खत्म हो रहा है. ठीक है ना. तो अगर ब्लैक डॉट खत्म हो रहा है तो ब्लैक डॉट खत्म हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहा है. इलेक्ट्रॉन खत्म होने का मतलब क्या हो गया. इट इज रिड्यूसिंग. एंड रिड्यूसिंग का मतलब क्या हो गया.
ऑक्सीडेशन, ठीक। और बोलो, किसी का कोई डाउट है क्या? नहीं है तो मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। ओके।